नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसी के दोस्त ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। रात के समय एक फार्म हाउस पर दोस्तों के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा और दोस्त की हत्या कर फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक थाना कोतवाली पुलिस सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के पीछे पुलिस मामूली विवाद बता रही है। हत्या के दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना कोतवाली अंतर्गत लाख चौकी क्षेत्र में एक सूचना आई थी, जिसमें कि अब पता चला था कि एक व्यक्ति है जिनको गोली लगी है। वो उनको उनके जो बॉडी थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे उनको डेड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब मेरे द्वारा तथा जो है अधिकारीगण हैं, इनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, सब फील्ड यूनिट हमारी जितनी भी, उन सबको भी हमने वहाँ पर भिजवाया है। मेरे द्वारा भी हॉस्पिटल भी आकर देखा गया है और जो अभी बात घर वालों से बात करने पर सामने आई है कि इनके ही मित्र एक थे, वह एक अन्य व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर ये घटना कारित करी है। अभी घर वालों से बात करके तहरीर ली जा रही है, FIR दर्ज कराकर अनावश्यक कार्रवाई की। क्या सर चुनाव की रंजिश इसके लिए, क्योंकि नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ये दोनों एक दूसरे के परिचित थे और आज किसी बात पर इनका विवाद हुआ है। क्या विवाद हुआ एग्जैक्टली, ये अभी पता करने का विषय है और उसी के क्रम में ये घटना हुई। सर कितनी गोली लगी हुई है सर? ये तो पोस्टमार्टम के बाद बताया जा सकता है।